आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह लगातार दौरे पर हैं। आपको बता दें, रामपुर में जो है उनका दौरा था, जहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ कई जगह जो है जनसभाओं को संबोधित करा। इसके अलावा नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित करा। आपको बता दें, निकाय चुनाव जल्द होने वाले हैं यूपी के अंदर, तो उसकी बड़ी तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से देखी जा रही है। तो अभी से ही जो है कमर कस ली है आम आदमी पार्टी ने, और संजय सिंह जो सांसद हैं वो भी जो है लगातार दौरे कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। रणनीति तैयार की जा रही है किस तरीके से निकाय चुनाव को हासिल करना है यूपी के अंदर। तो आपको बता दें, स्वार विधानसभा है, वहां पर जो है रात पहुंचे हैं, देर रात काफी जो है संजय सिंह और जनसभा को संबोधित करा है। इसके अलावा आपको बता दें, केमरी में उनका स्वागत किया गया है, वहां के जो वहां पर जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने जो है उनका स्वागत किया है। तो इसके अलावा अंसार हुसैन और वहां पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत किया। इसके अलावा फिर बाद में वो जब बिलासपुर पहुंचे तो वहां पर आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो निर्मल सिंह बाजवा, वो चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं विधानसभा, उन्होंने भी जो है अपनी पूरी टीम के साथ जो है स्वागत किया है। वहां पर रिटायर सीओ है उनका, उन्होंने भी जो है मिलकर संजय सिंह का स्वागत किया। तो कुल मिला के जिस तरीके से देखा जाए, निकाय चुनाव अभी बुनियाद रखी भी नहीं गई है, और पास में क्योंकि जो कार्यकाल है चेयरमैनों का वो 12 दिसंबर तक बताया जा रहा है उनका समाप्त होगा, उससे पहले ही चुनाव होने हैं। तो चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि इस बार का निकाय चुनाव लड़ा जाएगा। तो रात जो है वो विश्वार में पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित कराया है, उनका प्रत्याशी वहां पर जमीनी तौर पर मेहनत कर रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, आम आदमी पार्टी चाहती है कि इस बार का जो चुनाव है वो यहाँ से वो लड़े और जीते। तो इसके लिए जो फैसल लाला है उनके यहाँ पर नेता है, उन्होंने भी चुनाव लड़ा है। फैसल लाला की पूरी टीम मजबूती तरीके से काम कर रही है और ये चुनाव है उसको हासिल करने की रणनीति तैयार कर रही है आम आदमी पार्टी। तो हालांकि सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ना था उनको, तो नहीं इतनी तरीके से नहीं लड़ पाए, क्योंकि अगर निकाय चुनाव उन्होंने हासिल कर लिया तो क्या हासिल करना चाहते हैं, तो बड़े सवाल उठते हैं इस बात को लेकर। हालांकि चुनाव में अब सक्रियता आम आदमी पार्टी जमीनी तौर पर दिखा रही है और अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ, पैमाने के साथ खड़े होने की बात कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, क्यू टीवी भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कोई कोर कसर मत छोड़ना, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने जो काम कहा वो थोड़ा बहुत काम भी यहाँ पे किया गया। आगे और अच्छा मॉडल आपके इस शहर को, आपके इस कस्बे को हम लोग देंगे। अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का एक ही संदेश है, नफरत की राजनीति नहीं, दंगे फसाद की राजनीति नहीं, लोगों को बांटने की राजनीति।